सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के साथ जो साजिश हो रहा है, जो रंजस हो रहा है, सबसे जो साजिश हो रहा है, सबसे पहले जानने का हम प्रयास करेंगे प्रिंस बाबू की क्या हो रहा है बिहार में अभी, जातीय कोड, फिर मनीष कश्यप के साथ ऐसा, ये सब क्या है, इसको सुनने के बाद, देखने के बाद, समझने के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, लगता कुछ नहीं है, और बिहार में यही सब हो रहा है, किस तरह से जाति पाति की राजनीति हो रही है, जात पात में बांटा जा रहा है बिहारियों को, और रोजगार बेरोजगारी ये सब पे ध्यान बिल्कुल नहीं दिया जा रहा है, और कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये जाति में उलझा कर और अपना वोट बैंक बनाने का काम कर रहे हैं लोग, और बिहार भाड़ में जाए बिहार की जनता कहीं भी जाए, इन लोगों को मतलब नहीं है, बस अपना झोली भरना चाहिए, नेताओं का काम ही है, आप समझ रहे हैं कि हाँ नेता क्या चाहते हैं, फूट डालो और शासन करो, यही चल रहा है बिहार में कि कोड बनाया जा रहा है, पहले जाति अच्छा, आपका कौन सा कोड है आप भी जान लीजिए, जिसको जिसको अपना पहले दर्शक को बोल दीजिए कि जिसको जिसको अपना कोड मालूम है कमेंट बॉक्स में बता दे, हम लोग जान जाए, हम लोग को पता नहीं है, और आप कौन से कोड है, अभी कंफ्यूज है कि 126 है कि 128 है, अभी कंफर्म नहीं हुआ, आपको पता है? नहीं, हम कंफर्म नहीं है, अभी नहीं है। देखिए, दैनिक भास्कर और दैनिक जागरण में छपता है कि 128 है, उसके बाद जो गवर्नमेंट के साइड से जो लिस्ट जारी होता है उसमें 126 है, अब किसको सही माने? जब चलिए, ये तो एक अलग किस्म का बात है, याद कीजिए ये एक ऐसा निर्णय है बिहार सरकार का जिससे बिहार का फ्यूचर बर्बाद हो जाएगा, इसका फुल्ली गारंटी है। अब क्यों होगा, अपनी बात को रखने का मेरा अधिकार है, और आप बताइए कि गलत है कि सही है। कहने का मतलब यह है, जिस दिन अदर स्टेट के, मुंबई के, चाहे आपको राजस्थान के, दिल्ली के, तमाम सारे बड़े बड़े स्टेट जो है, उन राज के लड़के जो है बाहर जाके नाम कमाएंगे, बड़े बड़े अधिकारी बनेंगे, बड़ा बड़ा रोजगार करेंगे, बड़ा बड़ा बिजनेस करेंगे, लेकिन बिहार के लोग सिर्फ अपना कोड गिनेंगे कि हम 142, हम 148, हम 146, इससे तो बिहार का बर्बादी एकदम सुनिश्चित हो गया। और दूसरा चीज ये है, सन ऑफ बिहार मनीष कश्यप के बारे में क्या सोचते हैं आप, क्या वो आतंकवादी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर उनके ऊपर आतंकवाद का यह चोला क्यों पहनाया गया? देशद्रोह का मुकदमा दायर हुआ है। क्यों क्यों? देशद्रोह का, जैसे NSA है रसुका, उसके तहत उनको 15 दिन के लिए कस्टडी में रखा गया है। अब पता, ये पॉलिटिकल दबाव कहीं ना कहीं, जैसे मनीष कश्यप ने पहले ही बताया कि तेजस्वी यादव हम पे पूरी तरीके से दबाव डालकर FIR करवाए हैं और सरकार गिराने की बात कही, जैसे 180 दिन में, तो कुछ लोगों को मिर्ची लग रही है। क्या गलत कहे, क्या गलत कहे? अच्छा, इस देश में अभिव्यक्ति की आजादी है, बोलने की आजादी है, बोलने की आजादी है। हम लोग भी बोल रहे हैं कि नवी फेल को हम लोग मुख्यमंत्री क्यों माने, और ऐसे व्यक्ति को मुख्यमंत्री मानना पसंद करिएगा, आपके लायक है वो, आपके बिहार के लायक है? हाँ, जवाब दीजिए। देखिए, नवी फेल से कुछ नहीं होता नहीं है, लेकिन हाँ, नवी पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, क्योंकि समाज में बैठने के लिए नौवीं फेल कोई माने नहीं रखता है, लेकिन कहीं ना कहीं लालू यादव के बेटा है वो, उसके सिवा उनके अंदर की काबिलियत पाछो बता दीजिए हमको, बताइए। अब देखिए, आप लोग कमेंट में बताइए, वाले हम कोई नहीं होते, वो पूरी जनता देख रही है कि कौन क्या कर रहा है, और बिहार में क्या वो रोजगार देने का वादा किए थे, दिए है रोजगार? दिए नहीं है नवादा में रोजगार, नवादा में, सासाराम में, ये सब रोजगार है ना, है वही कराए हैं वो, तो बीजेपी को बोल रहा है कि अमित शाह ने सरकार चला, कौन सरकार में कौन बैठा है, सरकार में कौन बैठा है, सरकार में कौन बैठा है, बताइए। सरकार में तो यही लोग बैठे हैं, फिर आप बीजेपी पे कैसे इल्जाम लगा दीजिएगा? ये तो लगा रहे हैं, जब बीजेपी का तो कहां दंगा हुआ बिहार में, बताइए हमको। अच्छा, ये तो बता रहे हैं कि बीजेपी और RSS मिलकर ये सब करा रही है बिहार में, तो जब बिहार में बीजेपी, तेजस्वी यादव किस आधार पे बोले हैं, तो वो तो वही बताएंगे ना, सत्ता वो चला रहे हैं, मंत्रिमंडल है, बीजेपी हाथ में पावर है, तो उनके ऊपर मानहानि का केस होना चाहिए तेजस्वी यादव पर। बिल्कुल, तेजस्वी यादव पर सरकार, सुनिए, सरकार में बैठे हो, अगर बिहार में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी हो रही है तो सबसे पहला जिम्मेवारी किसका बनता है, घर के मुखिया पर जिम्मेवारी बनता है कि नहीं बनता है? हम बीजेपी को क्या जानते हैं, आप मुख्यमंत्री हैं, आप उप मुख्यमंत्री हैं, आपकी सरकार चल रही है, तो आप जवाब दीजिएगा कि हम जवाब देंगे, बीजेपी जवाब देगा? बीजेपी होता तो हम बीजेपी से सवाल करते, जिस दिन बीजेपी की सरकार में थी क्या हम लोग सवाल न करना बंद कर दिए थे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। और उसी सवाल करने का देन है कि आए मनीष कश्यप चार दीवारों के पीछे बंद कर दिए गए हैं, आपको क्या लगता है, पूरी आपको क्या लगता है 24 से पहले तेजस्वी तो डरे हैं कि नहीं डरे हैं?
मनीष कश्यप से डरे तो है। उनको ये बात पता है कि नहीं कि अगर मनीष कश्यप से बिहार बाहर निकल जाता है तो तेजस्वी यादव दो चुनाव हार जाएंगे और 24 तक उनको निकलने नहीं दिया जाएगा। ऐसा देखिए चुनाव हारने का जहाँ तक हम पूरी तरीके से नहीं कह सकते, लेकिन ये तो है कि कुछ ना कुछ प्रभाव तो जरूर पड़ेगा और अभी पड़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं मनीष कश्यप के ऊपर पॉलिटिकल दबाव है, क्योंकि जिस तरह से उनके ऊपर लगातार फंसाया जा रहा है, लगातार साजिश रची जा रही है कि किसी न किसी तरह उलझा कर और लगभग एक साल दो साल इनको जेल में रखा जाए। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को बता देना चाहते हैं कि वहां के कोर्ट ने उनको निर्दोष करार दे दिया। और देखिए आप भी ऐसे मत बोलिए, नहीं तो कल होकर आप पे भी FIR होगा, तो फिर झूठ मूठ का अभी एक दो साल बैठे रह जाइएगा। अगर आप देश में रह के और नहीं बोलेंगे तो पता है घुट घुट के मर जाएंगे, उससे अच्छा है जेल में जाके मर जाएंगे।